भाई फिर मिलेंगे और बेहतर तरीके से मिलेंगे और एंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे जरूर करेंगे। मेरा पत्रकार मरा नहीं है अभी, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। मैंने पत्रकारिता की है, मैंने पत्रकारिता जी है। धन्यवाद, आप सबने इतने खूबसूरत, इतने शानदार और इतने, जिसको कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि महेंद्रगढ़ के लोग इतने डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। मतलब आई एम रियली हैप्पी, मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा लगा। और भाइयों, मैं कोई संबोधन नहीं करने जा रहा और ना ही मैं कोई ज्ञान देने जा रहा। एक तो जब से ये सोशल मीडिया आया है, ज्ञान की तो ऐसी गंगा बह रही है कि बस क्या लें क्या ना लें। दिन भर ये कीजिए, यहाँ प्रणाम कीजिए, यहाँ नमस्ते कीजिए, ये करेंगे तो ये लाभ होगा, ये नहीं करेंगे तो ये हानि होगी, ऐसा करें तो ऐसा होगा। चलिए, खैर, खूब अच्छा। और मैं तहे दिल से, मतलब जिसको कहते हैं कि आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पत्रकार भी मिलन कर सकते हैं, मतलब हमारी बिरादरी के बारे में कहा जाता है, कहा जाता था, ये अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हमारी बिरादरी के बारे में ये कहा जाता था कि भाई सारे इकट्ठे हो सकते हैं, ये इकट्ठे नहीं हो सकते कभी। तो होली मिलन, मिलन शब्द ही मिलने का है, तो होली मिलन वो भी पत्रकार कर रहे हैं और उसमें समाज का हर वर्ग आया हुआ है। इससे खूबसूरत, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है। और इसलिए हरियाणा पत्रकार संघ और महेंद्रगढ़ के मेरे तमाम सारे पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार कार्यक्रम। और मैं यहाँ मीडिया एडवाइजर के नाते आपसे बात नहीं करना चाहता, और मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता, मैं तो एक बात कह रहा था कि होली का मिलन है। यहाँ तो हम सारे अपने रंग रूप, कॉम्प्लेक्सेस, परेशानियां, दुख, कुंठाएं, ये सब निकाल के चेहरों पे चेहरे, ये ऐसी जगह है या ये ऐसा मिलन है, ये ऐसा त्योहार है। हमारे बुजुर्गों ने ये त्योहार क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि इस दिन आप अपने सारे गिले, शिकवे, विचारधाराएं, राजनीतिक पंथ, राजनीतिक निष्ठाएं, तमाम सारी चीजों को छोड़ के एक इंसान होने के नाते, एक नेचुरल, वो जिसको कहते हैं कि जो आप हैं, उस नाते यहाँ मैं एक सुझाव भी दूंगा पंडित जी और महेंद्रगढ़ के अपने सब साथियों को कि अगली बारी होली मिलन करें तो इतने गंभीर चेहरे नहीं नजर आने चाहिए। ज्ञान इतना दे दिया आपने, ये बेचारे होली मनाने आए थे और यहाँ पे जिसको कहते हैं कि यहाँ तो जिसके अंदर जो टैलेंट है, हम करेंगे, गंभीर बात भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को पहले क्लियर किया कि भैया मैं यहाँ किसी नाते नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ, अपने साथियों के बीच में आया हूँ। और आपने इतना मुझे मान दिया, सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ हम हंसी मजाक, ठट्टा करते हुए, गपशप मारते हुए, उसमें से कोई चीजें संदेश लेके जाते और अच्छा होता है। यहाँ हमारे अंदर जो टैलेंट है, कोई कविता गा सकता है, मेरे एक साथी ने जिसको कहते हैं कि चुटकुला सुनाया, हालांकि वो राजनीतिक क्षेत्र से हैं, अच्छा लगा मुझे। और रंगों की जहां तक बात करें, बुरा मत मानना भाई, होली है तो ये जो हो गया है, और वो पत्रकारिता में भी हो गया है। संपादक बैठे हैं इंडिया न्यूज के और बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर है, पत्रकार यहाँ पर है, अपनी लेखनी में भी, दिखाने में भी, कैमरे में भी सिर्फ एक रंग मत दिखाओ प्लीज। देश के अंदर, समाज के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारी में सिर्फ राजनीति हो रही है, और भी कुछ है जिंदगी में? और भी आप सुनते हैं, नहीं सुनते? अखबार देखो तो राजनीति, इसने ये कहा, उसने वो कहा, आपने छाप दिया। टीवी देखो तो दिन भर जिसको कहते हैं कि, माफ कीजिएगा, मेरा काम आपने सबसे आखिर में मेरे को मौका दिया है तो भुगतना तो पड़ेगा आप लोगों को, अब आप सुनिए मेरी बात। तो
देखने में क्या आ रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने पत्रकारों को काम करते हुए देखा होगा या पत्रकारिता को देखा होगा, तो पत्रकारिता में भी कितना अंतर आया है 20-25 सालों में। 30 साल का तो देखिए, मतलब मेरी पत्रकारिता शुरू हुई 94 में, तो मुझे भी अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं भी सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ रहा हूँ पत्रकारिता में, पर मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, लेकिन मैं बढ़ रहा हूँ इस ओर। तो पत्रकारिता में भी अंतर क्या आया है, दिन भर हम क्षमा करना मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ, बुरा ना मानो होली है, और मैं यहाँ मीडिया एडवाइजर के नाते नहीं बोल रहा हूँ, दिन भर हम राजनीतिक चर्चाओं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसी को पकड़ते रहते हैं, उसी की बाइट लेते रहते हैं। भैया मेरे 140 करोड़ का देश है ये, इस 140 करोड़ के देश में ना जाने क्या क्या अच्छा हो रहा है, और हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए, am I right or wrong? कितने सामाजिक काम हो रहे हैं, कितनी तमाम सारी चीजें हो रही हैं, दिन भर हम वो सब करते हैं, शाम को डिस्कशन करते हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं मेरे को क्षमा करना, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, शाम को जो डिस्कशन करते हैं उसका भी स्तर क्या हो गया है। हम सबको पता है कि उन खिड़कियों में बैठे हुए जितने भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, तमाम सारे लोग हैं, किसने क्या बोलना है, अब तो डायलॉग भी लट गए हैं। शाम की डिस्कशन देखे, मेरे जैसे आदमी को जो कि हार्ड कोर पत्रकार है, जिसने बहुत सारे चैनल्स को हेड किया है, जिसने 20-22 साल पत्रकारिता जिसको कहते हैं जी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पत्रकारिता की है, मैंने पत्रकारिता जी है, और अब भी मैं एक पत्रकार के नाते ही अपनी बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सरकार में, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरा पत्रकार मरा नहीं है अभी, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, और नाम मरेगा। तो हम दिन भर क्या कर रहे हैं, शाम की डिस्कशन होती है, हम कुछ लेके जाते हैं उसमें से, डिस्कशन का मतलब होता है संवाद, संवाद का मतलब होता है बातचीत, बातचीत का मतलब होता है मैं आपके विचारों की इज्जत करूं, आप मेरे विचारों की इज्जत करें, मैं कहीं गलत हूं तो मैं स्वीकार करूं, आप कुछ अच्छी बात कह रहे हैं तो मैं उसको लेके जाऊं, दिस इज कॉल्ड डायलॉग। और शाम का डायलॉग नहीं होता है, संवाद नहीं होता है, जो डिस्कशन होती है चैनल्स पे वो झगड़ा होता है जिसमें व्यूअर दर्शक कुछ ले नहीं जाता है, ले नहीं पाता है उसमें से, बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने लग गए हैं कि शाम की डिस्कशन मत सुनो, तबीयत खराब हो जाएगी, am I right? मैं गलत हूं तो टोकिएगा मुझको, तो क्षमा कीजिएगा कि रंग होली से बात चल रही थी तो मैं होली से ही कह रहा हूं कि जीवन में और बहुत रंग हैं। हमने होली का मिलन किया, यहां भी हम, मैंने कहा पंडित जी यहां भी डिमांड है, आ जाएंगी डिमांड होली की बात, आज तो कोई गाना हो बजाना हो, कोई गपशप हो, कोई एक दूसरे को और जानना हो, हम अहिरवाल की धरती पे आए हैं, अहिरवाल के कल्चर को हम और बेहतर समझे, राइट, मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। तो और रही डिमांड्स और उनकी बात, तो ऐसा है उसके लिए आपका, आपने मुझे छोटा भाई कहा ही नहीं है, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए बैठे हैं ना हम लोग, हम लोग कर रहे हैं उन तमाम सारी चीजों। तो और रही पत्रकारिता की इसकी बात, तो इसमें भी एक रंग नहीं है भैया, और बहुत सारे रंग है, आपकी कलम से, आपकी जिसको कहते हैं कैमरे से, और जब से ये आया है, ये आज से 25-30 साल पहले ये जो कैमरा था ना, ये उठाने में कंधा थक जाता था, तो तब कंधे पे उस कैमरे का भार था, तो पत्रकारिता में भी भार था, अब कंधे पे भार कम हुआ है, पत्रकारिता में भी भार कम हो गया है, आप समझ रहे हैं। तो ये जब से आया है जिम्मेवारी और बढ़ गई है, क्योंकि हर आदमी जर्नलिस्ट है, हम आपको बताएं, जिसके हाथ में मोबाइल है और उसमें कैमरा है, तो ये उतनी ही जिम्मेवारी बढ़ गई है हम सबकी। हम में से ही कोई साथी कह रहा था कि हम कुछ भी चला दें, कुछ भी दिखा दें जिससे समाज में वैमनस्य फैले, या देश का जिसको कहते हैं नुकसान हो, या किसी तरीके से जिसको कहते हैं कि एक तरीके से कि पत्रकारिता की इज्जत कम हो, ऐसा कुछ मत कीजिए। खबर चलाने से पहले, कुछ दिखाने से पहले, सिर्फ इसलिए मत चला दीजिए कि इस आदमी ने मेरी राम राम नहीं ली थी,
मैं इसके घर गया था तो इसने मेरे को वेलकम नहीं किया था, है ना। और जिसको कहते हैं इब बताते हैं इसे, तो ये हथियार का जो आपके हाथ में दिया गया है इसका दुरुपयोग हो जाएगा और वो दुरुपयोग हो रहा है, गलत कह रहे हैं। इसीलिए हमारी इज्जत भी कम हो रही है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। उस क्रेडिबिलिटी को बचाने और उससे जिसको कहते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए हम सबको ये जो हथियार सोशल मीडिया के नाते वक्त ने, टेक्नोलॉजी ने, सिस्टम ने हमें दिया है, कृपा करके इसका सदुपयोग करें। इससे आप सोचो ना कि हम कितनी कितनी सौभाग्यशाली जनरेशन है कि हम यहाँ बैठे हुए वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पुतिन क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, तो हम उनकी अच्छी चीजें भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो हम इस हथियार का सदुपयोग करें उसी तरीके से जैसे चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और चाकू से आप किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। तो कृपा करके जब से सोशल मीडिया आया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आम आदमी की, इसका दूसरा पहलू भी समझिए, वो आदमी जिसकी कोई आवाज नहीं हो सकता या जिसकी कोई वो नहीं कर सकता, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सत्ता में बैठे, सरकार में बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे, उन तमाम सब लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वो भावना जो है वो जिसको समस्या है वो वाक्य में ही समस्या होनी चाहिए, वो व्यक्तिगत वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार होली मिलन इतना गंभीर ना हो प्रभु, ठीक है ना। अब तो जाऊंगा, ढाई तीन घंटे हो गए, मैं तो एक घंटे के लिए आया था आपके पास और ये बहुत अच्छा लगा कि तमाम सारे राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम सारे सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं और मेरे पत्रकार साथी सब लोग यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगली बारी फिर मिलेंगे और बेहतर तरीके से मिलेंगे और एंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे, जरूर करेंगे और मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। एक बार हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय अमित आर्य जी को ये मैनेगढ़ पत्रकार संघ की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए छोटू भाई, छोटू अमर उजाला से आ जाओ, हरज्ञान जी, सुरेश पंचोली जी की सभी साथी आए हमारे मुख्य अतिथि और सभी